इसका केवल तात्पर्य है भोगों के यथार्थ स्वरूप के बोध के बिना उनसे वैराग्य नहीं होता, और भोगों के यथार्थ स्वरूप का बोध भोगने से नहीं होता है। फिर से सुने, भोगों के वास्तविक स्वरूप का बोध कभी भोगने से नहीं होता। आचार्यों ने तुम्हारे जी कहा है कि मनुष्य जितना भोग करता चला जाता है, जिस जिस इंद्रिय से, उस इंद्रिय के भोग का कौशल उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। आंख नाक कान किसी इंद्रिय को देख लो, जिस इंद्रिय से जिस पदार्थ का भोग करने लग जाएगा, उस भोग के तरह तरह के प्रकार उसके सामने उपस्थित होंगे। अरे ज्यादा दूर कहां जाने की जरूरत है, इसी को देख लो, जिह्वा को। एक चीज से संतुष्ट रहती है क्या? वैसा शब्द हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुहड़े पे आ गया तो बोल देते हैं। कहीं कहीं दुकानों पे लिखा रहता बेज बिरयानी। क्या क्या होता भाई, हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, बेज बिरयानी माने क्या होता है? वर्मा जी आप बताओ, बिरयानी माने क्या होता पहले बताओ। मांस एक तो चावल, वो बिरयानी है। बेज क्या हो गया? माने जवान के लालची लोग, चलो भाई हम अच्छे परिवार के, मांस तो नहीं खाएंगे, बेज बिरयानी खा लेंगे। अरे भले आदमी, बेज बिरयानी खाओगे तो भी नरक जाओगे, क्यों? को भोग के प्रति, पदार्थ के प्रति प्रियता ही हुई। बड़ी पवित्र पद्धति से श्री युगल प्रियालाल के लिए बड़े भाव में भर करके, बड़ी पवित्रता से, भाव की, द्रव्य की, सब प्रकार की शुचिता से युक्त होकर के जो रूखी सूखी सामग्री भी ठाकुर जी श्री जी के लिए बनाई जाएगी, और उसको जब भोग धराया जाएगा और प्रसाद रूप में उसको पाया जाएगा, तो प्रेम से विभोर चित्त का निर्माण होगा। महाराज जी, जो चीज साधन से नहीं मिलेगी, वह वस्तु भगवत प्रसाद से मिल जाएगी। पर पदार्थ की भावना से नहीं, प्रसाद की भावना से। अब देखिए श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी क्या कह रहे हैं। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह देव प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन बढ़ावत, पर सत पाप हरत ही को, हाँ पर सत पाप हरत ही को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भूलवत भाव
पुरुषती है को भगवत रसिक भाम तो भूषण भगवत रसिक भाम तो भूषण तेहि क्षण होत युगल जिय को तेहि क्षण होत युगल जिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय 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 को ज्ञान की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित होने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है, प्रेम की सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित होने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है, वह अवस्था केवल भगवत प्रसाद से प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से लेकर हमने पदार्थ बुद्धि से लिया है, विषय बुद्धि से लिया है, इसलिए उसका जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। इसलिए वैष्णव धर्म क्या है, जो भगवान को वस्तु भोग नहीं लगती, अपने घर के ठाकुर जी को भोग नहीं लगी तो चाय जितनी उत्तम है, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना। कहेंगे हम उसमें जाते हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, नहीं खाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे। भैया तुम बुरो मान लियो, हमने तुम्हारे यहाँ नहीं खाया, तुम हमारे यहाँ मत खाइयो। बोले फिर कैसे करेंगे, ब्याह बारात में कौन जाएगा, बाबा जियों को बुला लो, रास बिहारी को बुला लो। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु, ये सब भगवान के प्राण प्यारे भक्त ही हमारे बन जाएं।